नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। सेना रैली भर्ती की पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड की जाती है। चाहे छोटी अपडेट हो दोस्तों या फिर बड़ी अपडेट हो, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अप टू डेट करते रहें सेना भर्ती से संबंधित। चाहे आपका पेपर कटिंग हो, न्यूज पेपर कटिंग हो, ARO से पता करना हो या फिर VRO से सेना भर्ती मुख्यालय से जो भी अपडेट आती है, सबसे पहले चैनल के माध्यम से सूचित किया जाता है। अगर आप लोग इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपका एज से संबंधित या फिर आपका रनिंग से संबंधित, टाइमिंग संबंधित, तो कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बात करेंगे दोस्तों सेना रैली भर्ती 2022-23 के बारे में। आप सभी को पता है कि सेना की जो भर्तियां हैं लगभग 2 साल से नहीं चल रही थी और उसका ही खामियाजा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन हुआ और उसके बाद बड़ी बड़ी हस्तियां कह सकते हैं, चाहे आपके जो रिटायर्ड जनरल हो या फिर रिटायर्ड ये कह सकते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हो या फिर ब्रिगेडियर है, हर कोई बोला है सेना भर्ती रैली को लेकर। तो सबसे पहले यहां पर मैं पूर्व IAS का यहां पर आपको यहाँ पर ट्वीट दिखाऊंगा, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जो राजनाथ सिंह जी हैं उनके द्वारा क्या बयान जारी किया गया है सेना भर्ती रैली को लेकर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलिए सबसे पहले सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड IAS हैं, इनका कहना है ना जाने कितने, ठीक है, ये प्रदीप मेहरा की बात करें दोस्तों, क्योंकि प्रदीप मेहरा लगातार आप देख रहे हैं कि 400 से 500 किलोमीटर की दूरी वो दौड़कर ही किए थे। ना जाने कितने प्रदीप मेहरा जैसे बेरोजगार युवा सड़कों नहर की पटरियों पर रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ते हैं आर्मी पुलिस की भर्ती के लिए, मगर भर्तियां सालों साल तक नहीं निकलती, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि लगातार सरकार की किरकिरी बनती जा रही है और यहां पर उसी को देखते हुए राजनाथ सिंह ने ऑफिशियली दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी है कि आप लोगों का जो सेना रैली भर्ती का कैलेंडर है यह मई महीने के सेकेंड वीक तक जारी हो जाएगा। उसके बाद सेना प्रॉपर तरीके से रैली वाइज कराएगी, आपके ARO आपके BRO की जो भी रैलियां होंगी दोस्तों आप लोगों की कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो बनारस ARO और ये BRO है यहां की जो भर्ती अभी फंसी हुई थी क्योंकि ऑनलाइन आवेदन हो चुका था, रैली की डेट भी फिक्स हो चुकी थी, लेकिन रैली को यहां पर पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। वहां के जौनपुर के जो सांसद हैं उन्होंने भी मुद्दा उठाया था। तो आप लोग का जो ये सबसे पहले यहां पर बनारस की जो सेना रैली रुकी हुई है इसका प्रोसेस कराया जाएगा। बाकी आप लोग का डिटेल वाइज कैलेंडर आने के बाद सारी चीजें पता चलेगी। मैं दोस्तों आप लोग को निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दीजिए, अभी से रनिंग चालू कर दीजिए, ठीक है। तो अगर जानकारी आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं एक बार फिर कहूंगा कि रनिंग स्टार्ट कर दीजिए और अपना रनिंग में मत लगाइए, ठीक है, मन लगाइए और जम के दौड़िए। जय हिंद जय भारत।